अभी आपको अहम खबर देंगे। कराची नस्ला टावर को गैर कानूनी जमीन देने के खिलाफ केस, साबिक डीजी एसबीसीए पर तरमीमी फर्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबाई एंटी करप्शन अदालत में नस्ला टावर केस की जो है वो समाप्त हुई और इसमें अहम पेशरफ ये हुई है कि साबिक डीजी एसबीसीए मजदूर कादिर काका पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत तारीख मुकर्रर की है। अदालत ने हुक्म दिया है कि 9 मार्च को मजदूर कादिर काका के खिलाफ तरमीमी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस केस में जो दीगर 18 मुलजमान थे उन पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है, जबकि साबिक डीजी एसबीसीए को जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया था। तो जो है वो 9 मार्च को मुलजिम जो है उसके ऊपर जो है वो तरमीम फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजमान के खिलाफ जो है वो नस्ला टावर के मालिक को 262 स्क्वायर यार्ड अराजी जो कि सर्विस रोड की थी वो गैर कानूनी तौर पर देने का इल्जाम है। जी ठीक है अब्दुल हसीम, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।